देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीने से बंद है। इस कारण मंदिर प्रक्षेत्र के दुकानों पर भी ताला लटक गया है। अब इन दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण आम जनता परेशान है और छोटे छोटे दुकानदारों को अपनी जीविका चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर प्रक्षेत्र के दुकानों के सामने अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो गया है। यहां फूल प्रसाद मनिहारी से लेकर खाने पीने के होटल बंद हैं। से ही चल रहा था, हम लोग का घर परिवार भी मंदिर से ही चल रहा था। अभी हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो गया है। आज सुबह एक खाने का खाते हैं तो सामने शाम को खाते सुबह नहीं, स्थिति बहुत गंभीर हो चुका है। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि उन लोगों की जीविका रजरप्पा मंदिर से जुड़ी है। मंदिर बंद है तो जीविका भी बंद है। रजरप्पा का दुकान से ही हम लोग का पूरा परिवार चलता था और नदी किनारे भी दुकानदार सब का सामान चोरी हो रहा है। अब ऐसे दुकानदारों के लिए कोई सकारात्मक पहल की जरूरत है, वरना कोरोना तो बाद में पहले इन्हें भूख मार डालेगी। रजरप्पा से न्यूज 11 भारत के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।